हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में कई सारी अपडेट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले जो अपडेट है वो आरक्षण को लेकर है। आरक्षण विसंगति से छूटे अभ्यर्थियों ने प्रभारी जो मंत्री जी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। जी हाँ, प्रसिद्धि विद्यालयों में 6800 चयन सूची जो कि हाईकोर्ट से रद्द हुई है, वह दोबारा से सरकार जो है डबल बेंच जाए मामले को लेकर और वहाँ पर मजबूत पैरवी करे, ताकि 6800 चयनितों के साथ अन्य और जो भी आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उनको नियुक्ति मिल सके, इसके लिए यहाँ पर किया गया है। और साथ में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी के सामने इस चीज़ को प्रमुखता से रखेंगे। साथ में एक अपडेट आई है यहाँ पर UPPSC की तरफ से। जी हाँ, पदों का जो अधियाचन है वो मिलने के बाद भी विज्ञापन यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका है। RO भर्ती का जो इंतज़ार है वो इंतज़ार करते करते छात्र ओवर एज भी हो गए हैं और अधियाचन भी मिल चुका है, उसके बाद भी भर्ती नहीं आ रही। इसके अलावा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती भी है, उसके भी अधियाचन प्राप्त हुआ है, तब भी विज्ञापन नहीं आ रहा। यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव का लगातार यही कहना है कि रिक्त पदों का अधियाचन हमें मिल चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश हमें नहीं मिलते हैं, हम उसे नहीं कर सकते। इसीलिए 2023 के जो कैलेंडर है उसमें RO चाहे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, इन सभी को शामिल भी नहीं किया गया है। ठीक है, वहीं पर 9 साल से प्रधानाचार्य भर्ती है 2011 वाली, किसी तरह से हाईकोर्ट से मामला पूर्ण हुआ था तो उसका जो यहाँ पर साक्षात्कार है वो हो गया, लेकिन अब नियुक्ति का जो कार्य है वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, फिलहाल अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये मामला फिर से हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट से फिर से निर्देश हो। हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप अपना किया है, लेकिन सरकार अभी आगे नहीं बढ़ी है, जल्दी बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं पर गलत प्रश्न देने को लेकर जो कोर्ट है वो पूरी तरह से सख्त हुई थी, इसी कारण से 69,000 में 6800 जो आरक्षित वर्ग के छात्र थे वो हट भी गए थे। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर एक मामला वो था, फिर यहाँ पर एक अंक पे आंसर की मामले पर हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई एक अंक देते हुए सबको नियुक्ति आप दे दीजिए, लेकिन सचिव ने एक हलफनामा दाखिल किया हाईकोर्ट में और कहा कि हमें सर 4 महीने का और अतिरिक्त समय दे दीजिए, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पर कोई भी समय नहीं देंगे, 19 अप्रैल 2023 तक का आपको समय देते हैं, उससे पहले आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करिए, साथ में छात्रों को नियुक्ति दीजिए, वरना कार्रवाई हो सकती है।